नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक सी एस एफ एल हैं अर्थात कॉमर्स सर्विस सेंटर संचालक हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप निक्सिस से अपने इंटरनेट का स्पीड कैसे चेक कर पाएंगे, और यदि आपके पास इंटरनेट का स्पीड अच्छा नहीं है तो इसके द्वारा आप उसका सुधार भी कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निक्सिस से इंटरनेट का स्पीड अपने पास का आप कैसे चेक करेंगे और उसमें सुधार कैसे कराएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इंटरनेट स्पीड चेक करना और सुधार करना। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबरें मिलती रहती है, तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं निक्सिस से इंटरनेट स्पीड कैसे चेक किया जाता है और कैसे उसमें सुधार कराया जाता है। यह एक CSE का एक अहम प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से चेक किया जाता है और सुधार भी कराया जाता है। दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद आप देखेंगे यहाँ निक्सिस दे रहा है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा निक्सिस स्पीड टेस्ट, यहाँ देख रहे हैं, और डाउनलोड एंड्रॉयड एप्लीकेशन दिया गया है। तो यहाँ जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा निक्सिस स्पीड टेस्ट आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना है, इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं बता रहा हूँ कैसे आप चेक कर पाइएगा कि आपके पास का इंटरनेट स्पीड कितना है। देखिए, यह डाउनलोड हो रहा है। इंटरनेट जितना ही फास्ट होगा ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए स्लो में डाउनलोड हो रहा है। काफ़ी बढ़िया यह प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से आप चेक कर पाएंगे कि आप अगर VLE हैं तो आपको नेट स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास नेट का स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप काम कर पाइएगा। अगर नेट स्पीड नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा चेक कर पाएंगे। यह CSE का ही एक अपना एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप चेक कर पाते हैं कि इंटरनेट का स्पीड क्या है और उसमें सुधार भी करा पाएंगे। तो देखिए, डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप चेक करेंगे और कैसे सुधार कराएंगे। देखिए, इंस्टॉल हो गया है। ऐसे इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन आएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके सामने एक्सेप्ट का ऑप्शन देगा। आप यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो यह परमिशन देने के लिए मांगेगा, तो आप व्हाइल यूजिंग ऐप इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपसे CSE ID और आपका नेम मांगेगा, तो आप अपना CSE ID और नेम इसमें डालेंगे। जैसे CSE ID और नेम डालेंगे, चलिए मैं अपना CSE ID यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ नेम डाल देता हूँ। यहाँ मैं नेम डाल देता हूँ, नाम डालिए और यहाँ CSE ID डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करने पर क्या हो रहा है, यह अब चेक कर रहा है आपके इंटरनेट का स्पीड, यहाँ चेक किया जा रहा है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक चेक करेगा कि आपके पास कितना इंटरनेट का स्पीड है। यहाँ देख सकेंगे डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड दोनों यहाँ शो कर रहा है। यह डाउनलोड स्पीड यहाँ शो कर रहा है, यहाँ देखिए सेव हो गया। आपके नेट का स्पीड 21.44 MBPS का है और ऐसे ही आपके अपलोडिंग स्पीड भी सेट हो जाएगा। अब यह जो स्पीड है यह NXC के पास और CSE के पास चला गया होगा कि आपके सेंटर पर नेट का स्पीड क्या है, और यदि नेट के स्पीड का और सुधार करने की आवश्यकता होगी तो बहुत जल्द आपके पास के नेट के स्पीड का सुधार किया जाएगा। CSE को जैसा लगेगा कि नेट का स्पीड सुधार करना चाहिए तो सुधार करेगा। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेंटर के नेट का स्पीड चेक करें, ताकि NXC को यह डाटा मिल जाए कि आपके पास नेट का स्पीड क्या है, ताकि उसका सुधार किया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेली साथियों।